हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट में आपका एक बार सौ तेरह रुपए के आसपास का ये स्टॉक्स है एक सौ तक इसने पांच अक्टूबर को हाई लगाया था उसके बाद नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है और उनतीस रुपए ये बाईस दिसंबर को यहाँ दिखता था तो एक मल्टीपैक स्टॉक्स जिसने अपने आपके पैसों को लगभग टेन टाइम्स ऑलरेडी यहाँ पर कर चुका है जब से ये शेयर आया है और अगर मैं आपको बताऊं तो ये शेयर काफी बेहतरीन है क्यों बेहतरीन है क्योंकि देखिए किसी भी कंपनी के बारे में जानने से पहले अगर उ, आप जानेंगे कि कंपनी किस तरीके से उसके फाइनेंशियल्स है किस तरीके बिजनेस है कंपनी डिविडेंड देती है नहीं तो यहाँ पर देखेंगे डिविडेंड तो देखिए जहाँ दो हजार में 50 पैसे का 19 में 75 पैसे का 20 में 75 पैसे का और 2021 में डेढ़ रुपए का तो यहाँ पर अपने डिविडेंड को ये बढ़ाना और कोई भी कंपनी डिविडेंड तभी देती है जब उसे प्रॉफिट हो रहा होता है और डिविडेंड बढ़ा के तब देती है जब उसे और ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है तो जब यहाँ पर यह सब चीज़ दिखाई दे रही है ना तो याद रखिए कंपनी यहाँ पर बेहतरीन है

देखिए राइट इशू भी यहाँ पर लाता रहता है और इस कंपनी के अगर ग्रोथ की बात करें ना तो यहाँ पर देखिए इस कंपनी का ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर ग्रोथ नज़र आता है यहाँ पर अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट देखिए किस तरीके से दो हज़ार सत्रह अठारह उन्नीस बीस में पैंडमिक था तो कमाया फिर दो में देखिए दो करोड़ रुपए का यहाँ पर नेट प्रॉफ़िट और रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू देखिए यहाँ पर कंसिस्टेंटली यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो ये चीज़ें क्या बताती है ये चीजें बताती है कि ये किस तरीके का बेहतरीन स्टॉक्स है तो आइए और भी बहुत कुछ इस कंपनी के बारे में जानते हैं इसके फाइनेंशियल बिजनेस मॉडल सब जानते हैं बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब कर लीजिए शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ देखिए बहुत मेहनत से यहाँ पर वीडियो बनाई जाती है पहले सर्च किया जाता है स्टॉक्स को यहाँ पर बहुत सारे चार्ज दिन भर में देखे जाते हैं फिर उसके बाद क्या बेहतरीन यहाँ निकल के आता है वो आपके सामने पेश किया जाता है तो इस मेहनत के लिए आप बस केवल ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप हमारे चैनल जो आपका खुद का चैनल है और यूट्यूब के थ्रू तो और भी हमें यहाँ पर मेहनत का फायदा होता हुआ दिखाई देता है तो अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए और हमसे अगर कॉन्टेक्ट करना है हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना है तो ये पर्टिकुलर नंबर है इस पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे स्ट्रेटेजी हमारी स्ट्रेटेजी को फॉलो

अगर बात करें मनाली पेट्रोकेमिकल्स की तो कंपनी करती क्या है तो देखिए केमिकल से रिलेटेड कंपनी है और ये जो काम करती हुई दिखाई देती है तो ये एंड सेल्स ऑफ ऑक्साइड पीओ ग्लाइकोल एंड पोलाइल्स विच आर यूज एज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल तो यहाँ पर ये केमिकल से रिलेटेड ये काम की करती हुई दिखाई देती है ये कंपनी और ये बेहतरीन कंपनी है मतलब आप जो भी अभी ये मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये कंपनी एग्जैक्टली है क्या तो देखिए कंपनी ये इन पर्टिकुलर सेक्टर में काम करती हुई दिखाई देती है आ, मतलब ये केमिकल्स बनाती है और उन केमिकल्स का यूज क्या है इन केमिकल्स का यूज होता है देखिए ऑटोमोटिव से बेडिंग बेडिंग में फूड एंड फ्रेग्रेंसेज में फर्नीचर में फुटवेयर में पेंट्स एंड कोटिंग में फार्मास्यूटिकल्स में तो देखिए फार्मास्यूटिकल्स यहाँ पर चल रहा है यहाँ पर पेंट एंड कोटिंग यहाँ पर चलती हुई दिखाई देती है फुटवेयर जो कि यहाँ पर अभी देखिए किस तरीके से सारे के सारे शेयर भागते हुए नजर आ रहे हैं तो फूड कंपनी यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है फर्नीचर से रिलेटेड तो देखिए ग्रोथ यहाँ पर घर बनते हुए नजर आ रहे हैं घर बनेंगे तो वैसे बात है फर्नीचर यूज होगा ओके यहाँ पर लॉकडाउन ओपन हो रहा है तो यहाँ पर लोगों को बाहर जाना है फुटवेयर भी यूज करेंगे यहाँ पर घर लिए जा रहे हैं तो पेंट्स एंड कोटिंग फार्मास्यूटिकल्स कोविड के रीजन से और फार्मास्यूटिकल्स तो सदा बाहर सेक्टर है एज वेल एज फूड एंड फ्रेग्रेंसेस की बात करें तो लोग खाना भी खाएंगे लोग बाहर जाएंगे तो यहाँ पर डिओड्रेंट भी यूज करेंगे इत्र भी यूज करेंगे यहाँ पर परफ्यूम भी यूज करेंगे और यहाँ पर गाड़ियों से रिलेटेड पर चीजें चलती हुई नजर आ रही तो है तो कंपनी काफी बेहतरीन है यहाँ पर सारे अपलायसेज में एज वेल एज ऑटोमोटिव बेडिंग कंस्ट्रक्शन फूड फ्रेगनेसी फूड वेयर तो यहाँ पर मल्ट यहाँ पर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इन कंपनी का और जब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नजर आता है और ऊपर से यहाँ पर ये यह जो शेयर है ये अपने आप में लीडिंग नजर आता है तो ऑब्वियस सी बात है आपको अच्छे खासे पैसे ऐसे शेयर में बनते हुए नजर आएंगे और जब इसके साथ में बिजनेस के साथ में अगर यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट कर दे तो याद रखिए जो चीजें यहाँ पर नीचे आती है ना वो एक लेने का मौका होता है क्यों इसके चार्ट पैटर्न देखेंगे तो सबसे सब पहले फाइनेंशियल देख लेते हैं मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड यहाँ पर मार्केट कैप देखिए स्मॉल कैप कंपनी है स्मॉल कैप कंपनी भागती भी तेज है उसी तरीके से यहाँ पर गिरती भी नजर आती है तो इस चीज को भी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा तो आर ओसी की बात करें तो आर 49 फोर्टी 37 ओ परसेंट डेट की बात करें ना के बराबर डेट 139 पर हाई वह एक सौ तेरह रुपए के आसपास अभी चल रहा है इसके अलावा फेस वैल्यू पांच तो स्प्लिट भी आगे चल के मिल सकता है अभी बात करते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं कि 2005 तो में एक, एक कंपनी आई थी उसके बाद एक कंसोलिडेशन उसके बाद चीजें भागती हुई दिखाई दी और अभी की बात करें तो एक मल्टी बैगर रिटर्न मतलब दस रुपए का शेयर हुआ करता था ये पैंडमिक में और उसके बाद यहाँ पर टेन टाइम्स ये शेयर यहाँ पर हो चुका है तो अच्छा खासा पैसा टेन टाइम्स की कहूंगा इलेवन टाइम्स कहूंगा बल्कि तो ये एक अच्छा खासा पैसा आपको बना दिया दस रुपए का शेयर किस तरीके से एक सौ तेरह रुपये पे चल रहा है वो आप समझ सकते हैं और ऐसे ही नहीं चल रहा ये कंपनी के नंबर काफी बेहतरीन आ रहे हैं सीएजीआर की बात करें थर्टी फोर परसेंट के सीएजीआर इसके अलावा कुछ और पैरामीटर्स की बात करें तो कंपनी के रिजल्ट कंपनी के रिजल्ट की अगर बात करें सेल्स तो यहाँ पर देखेंगे कंपनी की जो सेल्स है वो कंस यहाँ पर एक साइड जोन में चल रही थी यहाँ पेंडेमिक आया है फिर उसके बाद से जो यहाँ पर सेल्स आई हाँ है वो हाईएस्ट एवर है और पिछले बारह क्वार्टर की बात करें हाईएस्ट एवर सेल्स है फोर थर्टी सिक्स करोड़ रुपीज और इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि तेरह करोड़ रुपए का प्रॉफिट हाईएस्ट एवर एक सौ सत्रह करोड़ रुपए का प्रॉफिट और मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पर क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे यहाँ पर चीजें मिला लेना तो इक्कीस करोड़ का प्रॉफिट एक सौ सत्रह अस्सी करोड़ का प्रॉफिट एक सौ सत्रह करोड़ तो यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली बेस में यहाँ पर चीजें अच्छी है और फिर उसके बाद चीजों को नीचे आ जाना तो एक अपॉर्चुनिटी इसके अलावा प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर देखिए कंसिस्टेंट यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट दे दे रही है दो हजार सोलह की ग्रोथ सत्रह अठारह उन्नीस बीस ओके बीस में थोड़ी सी पेंडमिक की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई दे बट इक्कीस में दोबारा यहाँ और अभी की बात करें पिछले बारह महीने की चौदह सौ इक्यासी करोड़ रुपए का यहाँ पर सेल्स है नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो कंपनी यहाँ पर मल्टी बैगर कंपनी है एक ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे कंसिस्टेंट ग्रोथ है रिजर्व की बात करें कंपनी के रिजर्व देखिए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं सेवन एट करोड़ के रिजर्व बोरिंग की बात करें कंपनी की बॉनिंग यहां पर अभी इस क्वार्टर में थोड़ी सी बढ़ी है ट्वेंटी थ्री करोड़ रुपीज की हो गई है तो यहां पर ट्वेंटी थ्री पर करोड़ की है जो कि इनके पास इतना पैसा है की अभी चाहे तो अभी चुका दे वर्किंग प्रोग्रेस में छत्तीस करोड़ रुपए यहाँ पर कैश की बात करें कंपनी के पास फोर फोर्टी फोर करोड़ रुपीज का कैश भी है तो जब यहाँ पर रिजर्व अच्छे खासे रिजर्व अच्छे खासे तो कंपनी बोनस भी दे सकती है इसके अलावा जो भी पैसा आता है यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट ये सेल करते हैं वहां से इनका पैसा आता ही है रुकता नहीं है आर की बात करें देखिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है फोर्टी नाइन प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो देख सकते हैं फोर्टी की पॉइंट इट इज यहाँ पर हिस्सेदारी बनी हुई है एफआईएस की बात करें जो जो 0.87 एट सेवन परसेंट की थी हिस्सेदारी थी उन्होंने इस क्वार्टर में हिस्सेदारी बढ़ाई है याद रखिए इस क्वार्टर में हिस्सेदारी बढ़ाई है 1.8 परसेंट की मतलब 1 परसेंट से लगभग की हिस्सेदारी बढ़ाई है डीआईएस की बात करें एज इट इज है पब्लिक की बात करें फिफ्टी uh, की है तो यहाँ पर हिस्सेदारी कम होती हुई नजर आ रही है uh, इसमें से हर वन घटा देंगे लगभग फिफ्टी के आसपास की हिस्सेदारी नजर आती है तो कंपनी की बात करें हर एक हर किसी लोग के पास अच्छी खासी यहाँ पर हिस्सेदारी नजर आती है कंपनी बेहतरीन है जिस पर्टिकुलर सेक्टर में कंपनी काम करती है ओके जो यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स बनाती हुई दिखाई जो केमिकल्स बनाती है वो तो सारे के सारे यहाँ पर बिकते हुए नजर आते हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी डाइवर्सिफाइड का पोर्टफोलियो अब बात कर लेते हैं इसके चार्ट पैटर्न चार्ट की पैटर्न की बात करते हैं तो मनाली पेट्रो केमिकल्स आपके सामने है सबसे पहले शेयर एक साथ यहाँ पर कंसोलिडेट किया और फिर यहाँ पर, यह uh, यहां पर uh, आ रही थी अच्छी खासी तो ये यह शेयर यहाँ पर नीचे आया अदरवाइज ये शेयर और ऊपर जाने की काबिलियत रखता था तो नीचे आ गया तो अब एक अपॉर्चुनिटी बन गई है अब यहाँ पर बात करते देखिए कंपनी यहाँ पर ही यहाँ पर इसने पहले रजिस्ट्रेंस लिया फिर यहाँ लिया फिर सेम यहीं पर रजिस्ट्रेंस लिया तो यहाँ पर तीन तीन बार रजिस्ट्रेंस ले रही है और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन कर रही है तो कंसोलिडेशन करने के बाद ये चीज़ें कभी भी ऊपर की तरफ निकलेगी और निकलेगी तो ऑब्वियस सी बात है जब बात बा, जब चीज़ें निकलेगी तो बात दूर तक जाएगी तो ये दूर तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और फिफ्टी डी के आसपास जब भी ये शेयर आया है फिफ्टी डी के नीचे है उसके आसपास तो ऑब्वियस सी बात है इसमें एक अच्छी खासी रैली आई है कंसोलिडेशन के बाद तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है तो इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा थोड़ी सी अगर बात करूँ तो शेयर यहाँ पर गिर भी सकता है जो तो well बट इसका मतलब ये नहीं है कि गिरेगा ही गिरेगा, तो यहाँ पर बाद में हम खरीदेंगे कि जब गिरेगा तभी खरीदेंगे क्योंकि चीजें ऊपर भी निकल सकती है तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब सिंपल है कि अगर चीजें यहाँ पर नीचे आती है तो बायोन टिप्स करना है ये चीजें हमेशा याद रखिएगा अब बात कर लेते हैं टारगेट की तो अगर हम यहाँ पर टारगेट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक टारगेट नजर आता है ये वाला देखिए यहाँ पर से अगर हम देखें तो एक छोटा सा कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है और जब इस तरीके के कप विद हैंडल पैटर्न बनते हैं तो टारगेट तो अचीव होते ही होता है ये कब बना कब बनने के बाद ये हैंडल बनता हुआ नजर आएगा तो एक छोटा सा कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है जिसके टारगेट की अगर हम बात करें तो इसके टारगेट नजर आते हैं हमें ये वाले सबसे पहला टारगेट तो इसका यही है जो इसका रिसेंट हाई है ओके यहाँ पर एक बार ये पहुंचा तो उसके बाद अच्छी खास यहाँ पर रैली बनेगी तो सबसे पहले टारगेट तो यही है वन थर्टी फोर रुपीज के आसपास का यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ ट्वेंटी टू परसेंट के आसपास का तो ट्वेंटी टू परसेंट मुझे लगता है तीन महीने के अंदर अंदर मिल जाने चाहिए आ, या छह महीने में भी तीन परसेंट के मिल गए तो इस साल का फोर्टी फोर्टी परसेंट होता है साल का फोर्टी परसेंट का मतलब है अच्छे खासे पैसे दस लाख रुपए आपके एक हजार करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो सकते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर टारगेट की तो टारगेट आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ट्वेंटी तुण पे नहीं रुक रहा है तो पहला टारगेट तो यही है दूसरे टारगेट की अगर हम बात करें तो दूसरा टारगेट लगभग फोर्टी के आसपास का यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है तो ये दो यहाँ पर टारगेट नजर आ रहे हैं जो की मुझे यहाँ पर लग रहा है कि छह महीने के अंदर अंदर ये फोर्टी